Hello students, how are you? Everyone is fine. 12th maths RBSC chapter number 13 है, सदिश यानी कि वेक्टर, इसका एग्जांपल नंबर 21 है। यहां पर देखो एक चतुर्भुज है एबीसीडी, यानी क्वाड्रेंटर एबीसीडी है, उसका एरिया 1/2 एसी वेक्टर क्रॉस बीडी वेक्टर होगा, ये मुझे प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले देखो क्वाड्रेंटर डिसाइड करो आप। ये हमारे पास ए बी, इसको आप सी कह दें, इसको डी, ये हमारे पास सपोज एक क्वाड्रेंटर है। अब इसमें देखो आप तो थोड़ा सा क्वाड्रेंट को थोड़ा सेव चेंज कर लो, आपको थोड़ा इस ए को थोड़ा इधर इंक्रीज कर दें, थोड़ा अच्छा शेप हो जाएगा। क्वाड्रेंटर लगना भी चाहिए, क्वाड्रेंटर है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कि पैरेललोग्राम ही दिखना लग जाए। तो एबीसीडी क्या है, क्वाड्रेंटर है। अब इसमें हाफ एसी वेक्टर क्रॉस एडी वेक्टर, इसका एरिया होगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले एसी को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में इस बीडी को भी ज्वाइन करते हैं। ये क्या हो गया, इसके डायगनल्स यानी कि विकर्ण हो गए। अब आपको निकालना है इसमें चतुर्भुज एबीसीडी का सदिश क्षेत्र, मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इसमें देखो ये पूरा पूरा जो चतुर्भुज है दो त्रिभुजों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ले लेता हूं उसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी कौन सा है, ये वाला नॉर्मल वाला, और एक ही खाली पड़ा है। इसका एरिया प्लस इसका एरिया दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ए सी डी की बात करें तो सबसे पहले आप इसमें ए सी डी ए वाला यहां ए पे पॉइंट करके रखें और ए से सी की तरफ और ए से डी की तरफ ए से स्टार्ट होना ध्यान रखें। 1/2 ए सी क्रॉस ए डी प्लस ये वाला एरिया हो जाएगा इस ट्राइंगल का हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अब आप इसमें देखो ये 1/2 ए सी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, और यहां ध्यान दें यहां पर ए सी पहले आया हुआ है, ए सी वेक्टर बाद में आया हुआ है। अगर मैं इसको पहले लाना चाहूं तो यहां साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये ए सी वेक्टर क्रॉस ए डी। अब आप देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1/2 ए सी वेक्टर क्रॉस इसको लिखा जा सकता है ए डी वेक्टर माइनस ये ए डी वेक्टर, ठीक है ना, माइनस का ए डी वेक्टर आ गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू क्या मिला मेरे को, 1/2 एसी वेक्टर क्रॉस ये मिल गया एडी वेक्टर, ये माइनस एबी वेक्टर है ना, इसको बी और ए का ऑर्डर चेंज कर दूं तो प्लस हो जाएगा, प्लस का बी वेक्टर। यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पहले नोट कर लो, देखें अब इसको हटा दो। अब देखो जो रिजल्ट मिले ना उनके बारे में सोच, एडी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, एडी कौन सा ये वाला है ना, और प्लस बी ए कौन सा ये वाला, इन दोनों का एडिशन। तो इसको लिख लो आप 1/2 ए सी वेक्टर क्रॉस, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, बी ए वेक्टर प्लस एडी वेक्टर। अब कोई ट्राइंगल का लॉ होता है ना उसको याद करो, त्रिभुज नियम क्या होता है सदिशों का, योग का, बी से ए गए
और ए से डी गए, यानी बी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड सेम ऑर्डर में अगर दो वेक्टर्स को यानी दो सदिशों को निरूपित करती है, तो जो तीसरी भुजा होती है ना, तीसरी भुजा ये इन दोनों के परिणामी यानी रिजल्टेंट को निरूपित करेगी, और वो भी ऑर्डर क्या होगा, ऑपोजिट, उल्टा ऑर्डर। मीन्स ये बी ए और ये ए डी है, तो रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा, बी डी होगा, बी से डी की तरह। तो हाफ ए सी वेक्टर क्रॉस यानी दो बोले बी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट, यहां से इसकी वैल्यू रख दो आप, तो बी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये बी डी वेक्टर। तो हाफ ए सी वेक्टर क्रॉस बी डी वेक्टर इसका एरिया आ गया। इसका ऐसे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए आपको वेक्टर्स लॉ का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि वेक्टर्स के कौन कौन से लॉ है, यानी कि सदिश के कौन कौन से नियम है, उनका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से प्रूव हो पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सदिशों के जो नियम है उनको पूरा ध्यान रखें। अच्छा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।